यार यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने दिया है वो लिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको तरीका बता चुका हूँ कि यार या तो डिस्टेंस पूछेगा डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखो, अगर यहाँ पे आपसे पूछता है कि डिस्टेंस निकालो, ठीक है डिस्टेंस निकालो तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकालो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्टेंस के लिए सारा एरिया आप देख सकते हो, सारा एरिया अपर साइड में है, पॉजिटिव है, तो चाहे डिस्टेंस निकालो चाहे डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। आप कैलकुलेट करके मेरे को बताना, आप खुद देखना, तो सबका एरिया निकाल लेना बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेन मुद्दे की बात है उसने पूछा है फ्रॉम द ग्राफ फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन निकालना है हमने इससे, है ना, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और याद करो अगर पूछता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो एरिया निकालते, तब हम एरिया निकालते, ठीक है एरिया निकाल लेते तुरंत। लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो वी हैव टू कैलकुलेट स्लोप, ठीक है हमें स्लोप निकालना है, मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा निकालना है। लेकिन वो पता है क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पे आप फोकस करें, है ना, होले होले खाते पीते आराम से देखते जाए और अपनी एनर्जी मेंटेन रखे बॉस, ठीक है। उसने बोला मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वर्ड्स को पकड़ा करो, उनका मीनिंग समझा करो, ठीक है। अब क्या करें सर, देखो स्लोप को लिख लो पहले, स्लोप क्या होती है टेन थीटा, यानी एक्सेलरेशन अगर निकालना है और वो भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको आपको पता है एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा कब, जब ये जो टाइम डिफरेंस है ये कम होगा, टाइम डिफरेंस जो मिनिमम होगा, है ना, टाइम डिफरेंस कम होगा तो कम से जब इसको डिवाइड कर रहे हो तो एक्सेलरेशन आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें हर एक ग्राफ की स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, आपने आपने उस ग्राफ को पकड़ो जिन जिन जिसके दोनों एंड्स पे जो टाइम डिफरेंस है वो सबसे कम हो, है ना। कैसे सर, देखो आप यहां से चलो और आपका ग्राफ यहां तक जा रहा है, इसको मान लो ओ से ए तक, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, फिर ये ग्राफ पैरेलल हो जाता है बी तक, ठीक है। यानी देखो जब वो ओ से ए तक गया तो यहां से यहां तक का टाइम डिफरेंस है 0 से 20, मतलब ये टाइम डिफरेंस है 20 सेकेंड, ठीक है। फिर वो ए से बी गया तो इनके बीच का टाइम डिफरेंस देखो 20 to 30, दैट इज 10 सेकेंड, हमें मैक्सिमम चाहिए। फिर वो गया यहां से यहां तक, ठीक है ये सी पॉइंट मान लो, यहां से यहां तक सी, और इनके बीच में ये वाला टाइम है 30 और ये वाला है 40, तो यहां से यहां तक का टाइम डिफरेंस भी कितना है आपके पास 10 सेकेंड ही है, ठीक है। फिर वो नीचे आया इधर देखो यहां से, तो ये है यहां पे 40 और जब नीचे आया 70 तो इनके बीच में है 30 सेकेंड, ये तो वैसे भी नहीं निकालना है, ये तो सबसे ज्यादा टाइम डिफरेंस है, सबसे ज्यादा तो सबसे कम हो जाएगा, हमें तो सबसे ज्यादा चाहिए। तो सबसे कम टाइम डिफरेंस कहां पे है ये देख लो, 20 10 10, ये दोनों सेम है देखो, ये दोनों सेम है और ये सबसे कम है क्योंकि यहाँ टाइम डिफरेंस 20 है, यहाँ 30 है, ये 10 10 है। तो मतलब सब क्या दो एक्सेलरेशन निकालेंगे क्या, हाँ दोनों को चेक करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। अब देख लो, आ जाओ जरा, सबसे पहले फ्रॉम ए टू बी आ जाओ, ए टू बी, ठीक है, इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचाओ अपना, है ना, जहां पे ज्यादा टाइम डिफरेंस वहां कम एक्सेलरेशन होगा ना कि ज्यादा, ठीक है। तो ए टू बी देखो, ए से बी तक इसकी स्लोप निकाल लो, है ना, ए से बी तक एक्सेलरेशन क्या होगा, ए टू बी, ए टू बी होगा टेन थीटा से निकालेंगे, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ए टू बी आपके पास आ रहा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका परपेंडिकुलर ये रहा और इसका बेस ये रहा, परपेंडिकुलर पे कितना है, दिस इज 20 नॉट 2, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 20 ओवर, टाइम डिफरेंस कितना है इनके बीच में यहाँ पे, नो, मैं इसको क्यों निकाल रहा हूँ, नॉट ए टू बी, यस ए टू बी, दिस इज नॉट ए टू बी, मैं गलत कर रहा हूँ यार, ए टू बी तो ये लाइन पैरेलल है उत्तरी, ए टू बी तो ये लाइन पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के, और जब लाइन पैरेलल हो टाइम एक्सिस के तो ए टू बी तो एंगल जीरो हो गया, यानी जीरो आ रहा है, ए टू बी तो जीरो आ रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है ना, चेक करना पड़ेगा बॉस। देख लो भाई ये वाला ग्राफ तो उसके पैरेलल हो, मैंने बताया था कोई भी लाइन जब पैरेलल होती है उसका एंगल जीरो, मतलब उसका स्लोप जीरो है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, आप ऐसे भी कह सकते हो ए से बी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट ग्राफ है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मतलब उसकी स्लोप तो जीरो है। ओ वाओ, अब हम देखेंगे बी से सी, चलो भाई फ्रॉम बी टू सी, फंडा क्लियर हो रहा है बॉस, धीरे धीरे होले होले। तो आप क्या करेंगे सर, एक्सेलरेशन बी टू सी, तो ये फिर से निकालेंगे टेन थीटा से, ठीक है स्लोप ही निकालनी है ना हमने, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो बी से सी जाना है केवल ये, तो बी को थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो देखो ये ट्राइंगल बन गया, ये वाला बन गया देखो, ये 90 है और ये एंगल बना रहा है कुछ, ठीक है जो हम निकाल रहे हैं, तो इसका परपेंडिकुलर होगा इतना और इसका बेस होगा इतना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पे क्या है ये, यानी यहां से लेके, ठीक है ये परपेंडिकुलर है इसका, ये हो गया 20, देख लो परपेंडिकुलर पे, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो यहाँ पे आई है 20
और ये वाली लाइन जो यहाँ पे है ये 60, ठीक है, तो ये 20 पे है इसका मतलब, और ये 60 पे है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, 60 20 के बीच का होगा 40, तो दिस इज 40 ओवर बेस, बेस ये रहा यहां से यहां तक, वो हमने पहले निकाल रखा है 10, तो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा है, जीरो की ये ऑब्वियसली 4, सो द मैक्सिमम एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस होल ग्राफ केवल एंड केवल आपको बी टू सी मिलेगा, तो ए मैक्स की जो वैल्यू है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा, मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ, बहुत आराम से शिद्दत के साथ इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपने रिकॉग्नाइज करना है। आप इनमें निकालोगे तो उसकी स्लोप तो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, ये तो ऑब्वियसली नेगेटिव है, उसका मिनिमम आएगा क्योंकि टाइम ज्यादा है इसका, इसका भी टाइम इनके कंपेटिवली ज्यादा, दोनों सेम थे तो इसलिए हमें दोनों को चेक करना पड़ा, ये जीरो है, इन दोनों में जो ज्यादा होगा वही आंसर है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर ना, मजा आ गया ना बॉस, इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को क्रैक करना है, सीखना है सारे कंसेप्ट।